मॉर्निंग फ्रॉम अनादर डे एट कोडाइकनाल। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कुकल गए थे, कुकल से वापस आए एंड वी हॉल्टेड एट कोडाइकनाल। तो बेसिकली आज का इस वीडियो में प्लान ये है दैट वी आर गोइंग फॉर अ 2 डे ट्रैक टू वेलगावी विलेज एंड इट्स अ लेस एक्सप्लोर्ड विलेज। एंड बेसिकली वहाँ की खासियत ये है कि वहाँ पर जो विलेज है, पूरे विलेज में नो बडी वेयर्स फुटवेयर। तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, वो विलेज एक्सप्लोर करने वाले हैं। व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट द ट्रैक इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे एंड लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। सो बेसिकली यहाँ पे सीन ऐसा है कि द टूर गाइड दैट वी हायर्ड, ही इज अरेंजिंग फॉर अ ज़ोन व्हीकल टू गो टू वाटाकनाल। तो बेसिकली इज व्हीकल इज गोइंग टू ड्रॉप अस टू डॉल्फिन नोज डायरेक्टली एंड वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। एंड ही इज चार्जिंग 100 रुपीज़ पर हेड टू गो टू डॉल्फिन नोज। एंड वहाँ से जो ट्रैक है दैट इज कॉस्टिंग अस 1300 रुपीज़ पर हेड। सो दैट्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑन द पेमेंट एंड एवरीथिंग। So yeah, that's the plan. So we are waiting for another 5 minutes and then we'll start with the entire journey. Then another thing that you should take care of is कि वहाँ पर वेलगावी विलेज जो है वहाँ पर सिर्फ वोडाफोन का नेटवर्क अच्छा है एंड जियो का, इट वर्क्स रियली वेल। एयरटेल आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो इफ़ यू आर प्लानिंग दैट ट्रैक एंड अगर आपको नेटवर्क चाहिए तो आई थिंक यू शुड बाय योर सिम जियो या फिर वोडाफोन। डॉल्फिन नोज पॉइंट। तो बेसिकली आपको वहाँ पे एक छोटा ट्रेल दिख रहा होगा, आई शो इट टू यू व्हेन आई गो देयर। तो वहाँ से डॉल्फिन नोज आता है, 10 मीटर्स के आसपास है कुछ। एंड यहाँ से द मेन रूट गोज टू वेलगावी। तो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग नाउ। एंड यहाँ पे एक लास्ट शॉप है तो यहाँ से हम लोग कुछ स्नैक्स एंड अगर कुछ चाहिए तो हम लोग वो ले रहे हैं। एंड यहाँ से वी विल स्टार्ट द ट्रैक। कैन यू बिलीव लाइक विद द टूर एजेंसी, द टूर गाइड, वी आर द ओनली गर्ल्स कैंपिंग। सो एंड ओनली जस्ट इट्स गोइंग टू बी यस वेरी वेरी एडवेंचरस फॉर अस। नेवर डन दैट बिफोर। आई हैव ट्रैक्ड विद अ ग्रुप बट नेवर अलोन विद अ फीमेल ट्रैवलर। सो बेसिकली डॉल्फिन नोज के बाद एक एको पॉइंट आता है, यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। एंड अभी हम लोग विलेज के लिए जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द विलेज। एंड असली ट्रैक तो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी तक हम थोड़ा ही नीचे आए हैं एंड आई एम नॉट एबल टू मेक अ जजमेंट ऑन हाउ एक्जैक्टली दिस ट्रैक इज, वेदर इट इज़ ईजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। तो आई थिंक आई एम गोना टॉक अबाउट दिस एट द एंड ऑफ द ट्रैक। अभी के लिए बीच बीच में कुछ पॉइंट्स आए हैं जहाँ पे ट्रिकी है, बट अदरवाइज इट सीम्स ईजी बिकॉज इज अ डाउन फॉल। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द अदर डिटेल्स ऑफ दिस ट्रैक, दिस इज अ 5 किलोमीटर ट्रैक। आफ्टर 5 किलोमीटर्स वी आर गोइंग टू कैंप एट द विलेज एंड टुमोरो एट 5 AM वी आर गोइंग टू गेट अप एंड विटनेस द सनराइज आफ्टर अगेन additional 2 kilometers of hike. So that's about this entire trek and I am going to keep giving you all the information on the way during the trek, so stay tuned for that. And now let's cover the rest of the distance. सो बेसिकली वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है, तो आई रिमूव माई जैकेट। एंड ऑल्सो वॉट आई गॉट टू नो फ्रॉम द टूर गाइड इज दैट द सी लेवल हाइट इज़ 4000 फॉर वेलगावी विलेज एंड कोडाइकनाल इज़ एट अबाउट 6000। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू हाइक फॉर 2000 feet डाउनवर्ड्स। सो या द टेम्परेचर इज़ नॉट गोइंग टू बी एज कोल्ड एज इट इज़ इन कोडाइकनाल। तो आई थिंक वी आर राइटली प्रिपेयर्ड, हमने ज़्यादा लेयर्स कैरी नहीं किया है। तो दैट्स अनदर यू नो इन्फॉर्मेशन फॉर यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू वेलगावी, यू डोंट हैव टू कैरी मच, यू कैन जस्ट प्रोबेबली कैरी 1 layer ऑफ जैकेट और नॉर्मल स्वेटर, दैट शुड बी इनफ।
ये वाला जो रास्ता है, वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स दिस एंड दिस रोड इज़ गोइंग टू मीट देयर एंड यहाँ से हम लोग अप हिल जाके देन वी आर गोइंग टू अगेन गो डाउनवर्ड्स जहाँ पे वेलागावी विलेज आता है। तो अभी हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है एंड आई एम जस्ट हैविंग दिस मुरुकू जो मैंने कोडाई कैनल से लिया था मेन टाउन से एंड वी आर जस्ट एन्जॉइंग द व्यूज ओवर हियर, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड बेसिकली द टूर गाइड टोल्ड अस कि यहाँ से आधा घंटा लगेगा एंड प्लस आई हैव शोड यू द रोड ऑल्सो, सो इट्स गोइंग टू बी अप हिल। तो हम लोग वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्टोर सम एनर्जी एंड गेन सम एनर्जी विद सम फूड। तो या वी आर गोइंग टू रिलैक्स हियर फॉर सम टाइम एंड देन विल अगेन स्टार्ट। We have entered the forest area and this is all the village land. तो basically end तक वेलागावी तक ये ऐसे ही रहने वाला है। तो पहले जो हम लोग आ रहे थे हाइक करके उसमें ऐसा था कि राइट साइड में पूरा व्यू था, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होने वाला है। ऑन बोथ द साइड्स देर इज़ अ ट्री व्यू, तो इट लुक्स लाइक वी आर वॉकिंग इन द जंगल, सो इट्स क्वाइट पीसफुल एंड काफ़ी सीनिक लगा मुझे। सो लाइक आई सेड बिफोर बेसिकली यहाँ से विलेज स्टार्ट होता है एंड यू नीड टू रिमूव योर सैंडल शूज वट एवर यू आर वेयरिंग बिकॉज दिस इज़ अ रिलीजियस विलेज एंड दे रियली बिलीव इन बींग विदाउट अ फुटवेयर। तो हम लोग अभी ये हाथ में रख के अंदर जाएंगे। As you can see, we have reached the campsite and यहाँ पे आते ही बहुत amazing feel हो रहा है। This village has so much positivity and यहाँ पे आते ही you know the people are so welcoming. We were just walking through the village and everybody was smiling at us, so we felt really warm and welcoming over here. And यहाँ पे आने के बाद, campsite में आने के बाद तो we saw the tents and वो देखते ही mind में ही हम लोग एकदम relax हो गए। And I think about the trek, if I have to tell you, it's between easy to moderate. अगर बारिश होती है, if you are trekking in the monsoon, तो शायद slippery हो सकता है, कुछ कुछ जगह tricky हो सकता है, but otherwise I think it's more on the easier side and luckily it didn't rain today, तो I found it pretty good. I think we can do it in one go also without any break. And क्योंकि downhill है तो it becomes little easier. I'm just not sure कि कल का दिन कैसे जाएगा, क्योंकि कल तो पूरा upslope करना पड़ेगा, but let's see anyways. So I think with that I'm going to end the video here and I'm going to see you tomorrow, क्योंकि कल का plan थोड़ा dicey है. We might go for a sunrise trek which is a 2 km trek from here, or we might as well not, depending on how the weather is, because even now it's foggy. तो कल का भी थोड़ा डाइसी है, लेट्स सी दैट, विल फाइंड आउट टुमारो। आई थिंक कमिंग टू प्लेसेस लाइक दिस इज इम्पोर्टेंट। ट्रू, एनवायरनमेंट यू नो, पूरा लग्जरी में, पूरा सिटी में रह के, आई थिंक कमिंग क्लोज टू नेचर, आई थिंक वी नीड टू डू दिस टाइम टू टाइम। बाय, थोड़ा सुकून मिलता है। आई नो, पीसफुलनेस, एक्चुअली सुकून इज द वर्ड, सुकून इज द वर्ड रियली। So I think face से पता चल रहा होगा कि I just woke up and I am sitting here at the table. तो basically today we were supposed to go for the early sunrise, but we couldn't go because of the weather. It was raining at around 4:35 AM in the morning. तो हम लोग जा ही नहीं पाए because we knew already कि sunrise देखने नहीं मिलेगा, तो 2 km trek करके भी कोई फ़ायदा नहीं था. So anyways we completed our sleep in the tent itself and अभी 7 बजे के आसपास कुछ हम उठे हैं, 7:30 बजे के आसपास, and now it's 8 AM in the morning and we are here to have
the special coffee, the special Brazil coffee which is grown over here. So it's quite good. Kal hi taste kiya tha. बैक टू कोडाईकनाल एंड अभी अपस्लोप है तो ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी, व्लॉग नहीं कर पाऊँगी. तो आई थॉट लेट्स एंड द वीडियो ओवर हियर एंड ऑल्सो आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो. सो आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा इन एनी वे तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ मैंडेटरी ऑफ बीट डेस्टिनेशन फॉर एवरीबडी हू इज गोइंग टू विजिट कोडाईकनाल एंड वी आर गोइंग टू हेड टू अनदर destination now, so see you in the next video.